दीपावली में ज्वेलरी दुकानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। त्योहार में सोने के आभूषण, चांदी के गणेश, लक्ष्मी और सोने चांदी के सिक्के की खरीदारी को शुभ मानते हैं और इसकी खरीदारी करते हैं। आभूषण दुकानदार का कहना है कि इस बार कोरोना महामारी को लेकर दीपावली त्योहार का बाजार फीका है। लोग पुरानी परंपरा को निभाने के लिए सोने चांदी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की जगह कम पैसे में अष्ट धातु से बने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर परंपरा को निभा रहे हैं। स्वर्णा के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। आपकी दुकान जो है आर्टिफिशियल सोने चांदी की जगह पर आर्टिफिशियल सामान का दुकान है, यहाँ गणेश लक्ष्मी जी भी मिल रहे हैं, क्या लगता है कि कोरोना काल में इसका असर पड़ा है? सबसे पहले तो धनतेरस, दीपावली और छठ की पूरी देशवासियों, पूरा बिहार वासियों, पूरा पटना वासियों को अपनी तरफ से बधाई हो। और इस कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में लोग जो भी बिजनेसमैन थे इतना पिछड़ चुके हैं कि आज के डेट में उनके पास सोना चांदी खरीदने के लिए आम पब्लिक के लिए, मध्य वर्ग के लिए इतना कैपिटल पैसा नहीं है वो सोना चांदी खरीद सके, इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और पहले लक्ष्मी गणेश जी भी लोग सोना चांदी खरीदते थे, लेकिन इनकेस महंगाई के कारण और कोरोना काल में जो भी लोग हैं आम लोग हैं जो भुक्तभोगी हो चुके हैं, इसके कारण लोग अष्ट धातु के ही अब सोना लक्ष्मी गणेश का मूर्ति भी मतलब खरीद रहे हैं और जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस पर लोग ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी का महंगाई इतना बढ़ गया है कि हर मध्यम वर्ग के लिए, मीडियम वर्ग, नीचे वर्ग के लिए खरीदना इम्पॉसिबल हो चुका है और उनके बस की बाहर हो चुकी है। इसलिए कहना है कि परंपरागत रूप से जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, ऐसे में जो है आर्टिफिशियल मतलब जो है कहा जाता है अष्ट धातु का वो लेकर के जो है काम चला। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब सोना चांदी के महंगाई के कारण लोग अब पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है आम आदमी को, तो अष्ट धातु का ही लक्ष्मी गणेश जी को मूर्ति को अपने पूजा के लिए अपने लोग ले जा रहे हैं। मेरा उमेश कुमार नाम है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।